हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। आज हम बात करेंगे गोरिल्ला के बारे में। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, लेकिन यह वीडियो पहले ही मेरी लिस्ट में था। गोरिल्ला पुरानी हॉरर फिल्मों में डरावना रोल करते थे और डरावने से दिखने वाले गुंडे का रोल करते थे। उनका असली नाम आरएस मलिक था और वह हरियाणा के जाट थे। उनकी शादी 1987 में हुई थी। फिल्मी नाम गोरिल्ला उनके सेक्रेटरी खालिद ने रखा था। 1985 में हेमंत बिरजे की डेब्यू फिल्म आई थी एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। उसमें गोरिल्ला ने शाका भूमि जंगली कबीले के सरदार का रोल किया था। इस फिल्म के एक सीन में गोरिल्ला का हाथ किमी काट करके मुंह से बड़ा था। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका शरीर और हाथ पैर कितने बड़े थे। किमी काट कर छोटी सी बच्चे लग रही है उनके सामने। कितना छोटा सा हाथ लग रहा है। अब आप समझे कि क्यों ऐसे लंबे चौड़े लोगों को लिया जाता था डरावने रोलों के लिए। इस फिल्म से पहले गोरिल्ला की किसी भी फिल्म का कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला और इस फिल्म के क्रेडिट में गोरिल्ला का नाम आरएस मलिक है, तो मेरे हिसाब से गोरिल्ला की पहली फिल्म थी। उन्होंने बहुत से बड़े एक्टर के साथ कई बड़ी फिल्में की थी। ठहरो, उस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए। जी। गुस्ताख नौजवान, चल तुझे शहजादी ने बुलाया है। सल्तनत। अल्लाह रखा। आदमी है, खत्म कर दो इसे। मैं तुम्हें एक वक्त का तो क्या, साल भर का खुराक दूंगी। गंगा जमुना सरस्वती। प्रभु जगत सागर चिंता मणि जादूगर बजरंगी जी, बजरंगी जी, इन्हें हमारी चिकित्सालय में ले जाओ। अरे बाप रे बाप, इनका सही रूप से उपचार करना चाहते हैं। शहजादे। फरिश्ते। त्रिनेत्र। तहलका। वीरता। रुक जाओ। इसके अलावा भी उनकी बहुत सी फिल्में हैं। रुक जाओ अर्जुन सिंह। उन्होंने बहुत सी सी और डी ग्रेड की फिल्में भी की थी। नहीं तो हम इन गांव वालों की लाशें यहीं बिछा देंगे। उन्होंने कई डरावनी फिल्में की थी जिनमें उन्हें दानव जैसे भूत का रोल मिलता था, लेकिन ऐसे रोल करने वालों का उन दिनों में क्रेडिट में नाम ज़्यादातर नहीं आता था, इसलिए उनकी फिल्मों की ठीक से गिनती नहीं हो सकती। फिल्मों में आने से पहले गोरिल्ला एक रेसलर थे और वो WWE के सुपरस्टार द ग्रेट खली जैसे लगते थे। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि ये दोनों एक ही हैं,
उनकी लंबाई 6 फुट 6 इंच और वजन 150 किलो था। उन्होंने गुरु हनुमान सिंह से रेसलिंग सीखने के लिए अपना गांव छोड़ा। फिर वो रेसलिंग कंपटीशन के लिए बॉम्बे आए। उस वक्त उनका एक दिन का खाने का खर्चा 1000 रुपये था, जिसमें 1 किलो बादाम और 14 लीटर दूध था, और उन्हें 4000 रुपये दिन के मिलते थे। गोरिल्ला की मृत्यु 1995 में हुई। उन्हें गैंग्रीन की बीमारी थी। उस वक्त वो त्रिमूर्ति में काम कर रहे थे। बीमार होने के बावजूद वो फिल्म की शूटिंग करते रहे। अपना इलाज कराने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनका बुखार बिगड़ता गया और वो चल बसे। उनके बाद उस रोल के लिए अनिरुद्ध अग्रवाल को लिया गया था। दोस्तों, आपकी फरमाइशें भेजने का धन्यवाद। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपकी फरमाइशी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।